जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं रसोई या किचन की ऐसी वस्तुओं के बारे में जो किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन वस्तुओं का यदि सही से इस्तेमाल किया जाए तो आप काफी ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं, और यदि ये ग्रह आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपको घर में पैसे टके धन दौलत के साथ साथ परिवार में एकजुटता, खुशहाली और समाज में मान सम्मान प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं रसोई में जिसका आप बहुत ही प्रयोग करते हैं, जीरे का। जी हाँ दोस्तों, जीरा राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। राहु भी एक शनि की भांति क्रूर ग्रह है। यदि जिस किसी भी व्यक्ति पर राहु नाराज हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का धनोत्पनोत निकल जाता है, वह व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता है। ऐसे व्यक्तियों को एकदम या ऐसे व्यक्तियों के घर में सभी लोगों को एकदम से बुरे स्वप्न का आना प्रारंभ हो जाता है। घर में किसी तरह की बुरी हवा है ऐसा आभास होने लगता है, एकदम से घर में धन की कमी होने लग जाती है, अकस्मात होने लग जाते हैं। ऐसे घरों में मदिरा पान अधिक होने लग जाता है। बड़े छोटों की इज्जत नहीं करते हैं, सब एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं। यदि इस तरह के लक्षण दिखाई देने लग जाएं तो समझ जाइए राहु की कुदृष्टि आपके घर पर पड़ रही है। तो आज हम बताने वाले हैं कि राहु का घर में कहां कहां वास होता है, कैसे पता चलेगा कि राहु का हमारे घर में वास है, निवास है, और कैसे उसे प्रसन्न किया जाए या कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, और किस तरह से हमारे जीवन में खुशहाली, मान सम्मान और पैसे से संपन्नता दोबारा प्राप्त की जाए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम बता दें आपको कि हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारियां, प्राचीन ग्रंथों में छुपे रहस्यों को और कई तंत्र, मंत्र, यंत्र, टोने टोटके के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, इस तरह की जानकारी का प्रचार करने में यदि आपको दिलचस्पी है, आनंद आता है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जीरे का प्रयोग, कि किस तरह से जीरे के प्रयोग से आप राहु को शांत कर सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में दीवारों पर दराजे हैं तो उन दराजों से राहु को बल मिलता है। यदि आपके बाथरूम में गंदगी रहती है तो वहीं से संपूर्ण घर में नेगेटिविटी फैलती है, तो वहां पर भी राहु का वास हो सकता है, उसे स्वच्छ रखें। रसोई में कभी भी जूठे बर्तन न रखें, ऐसा करने से पूरे घर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, राहु की कुदृष्टि संपूर्ण परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ती है। यदि आपके घर के बारी और दरवाजे आवाज करते हैं या टूटे हुए हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में राहु की कुदृष्टि अवश्य पड़ेगी, क्योंकि यहीं से होकर के सकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। तो यदि आपके घर के बारी दरवाजे टूटे फूटे हैं तो उन्हें तुरंत दुरुस्त करवा लीजिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे ना आ पाए। और यदि आप इन कामों को तुरंत नहीं कर सकते हैं तो जीरे के ऐसा प्रयोग करें कि जिससे राहु का जो कुप्रभाव है, कुदृष्टि है, वो आप पर न पड़े, क्योंकि कभी कभी जब राहु की कुदृष्टि होती है तो धन की कमी के कारण तुरंत घर में रिपेयरिंग कराना, पैसों का खर्च करना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इस समय पर आप जीरे के प्रयोग से
फिर से राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तब आप इन सारी चीजों की मरम्मत अवश्य करवा दें। दोस्तों, बाथरूम में आप कांच के प्याले में जीरे को रख दें और हर सप्ताह इसे बदलें। ऐसा करने से राहु प्रसन्न रहेंगे। कांच भी राहु का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपके घर में स्टोर रूम है और वहां पर ज्यादा कबाड़ भरा हुआ है तो एक कांच की शीशी में थोड़ा सा जीरा वहां भी रख दें। ऐसा करने से वहां पर भी राहु की कुदृष्टि पड़ना बंद हो जाएगी। आपके घर के बारी दरवाजे जहां कहीं भी यदि आपको लगता है कि टूटा हुआ है, दीवारों में जहां सीलन है ऐसी जगह आपको लगती है, तो वहां पर सफेद कपड़े में जीरे को बांध करके किसी भी कील या किसी भी डोर से आप टांग दें। ऐसा करने से वहां से आने वाली नेगेटिव एनर्जी बंद हो जाएगी और वहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाएगी। सारे घर के लोगों का मनोबल बढ़ने लग जाएगा और आपका कामकाज दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लग जाएगा। रसोई को हमेशा स्वच्छ रखें और एक साफ कांच की बोतल में जीरा संपूर्ण पूरा भरा हुआ हमेशा रसोई में रखें। यदि उसमें जीरा जरा सा भी कम हो जाता है तो आप उसमें भर दें। ऐसा करने से हर एक घर के मेंबर पर राहु प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य सभी का ठीक रहेगा, मन सभी का मजबूत रहेगा। दूसरा, राहु को ससुराल पक्ष का कारक भी माना जाता है, तो कभी भी आपके ससुराल से बिगाड़ खाता ना करें और हो सके तो वहां भी कांच की बोतल में जीरा अवश्य देने का रखें। ऐसा करने से राहु अति प्रसन्न होंगे और राहु के प्रसन्न होने से आपके सारे ही बिगड़े काम एक एक करके बनने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।